राधे राधे। तो आज है 10 मार्च और अभी हमें वृंदावन के प्रेम मंदिर में, आप देख सकते हैं भीड़ का यहाँ पर क्या आलम है। वीडियो में बने रहे, आपको पूरा वृंदावन का नज़ारा दिखाएंगे और अभी फिलहाल प्रेम मंदिर में आपको सब कुछ दिखाते हैं हम। आगे रहिए मेरे साथ। राधे राधे। प्रेम मंदिर वृंदावन के रमन रेती रोड पर स्थित है और इसी रोड पर ही आपको वैष्णो देवी मंदिर, प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और बांके बिहारी टेम्पल रास्ते में ही सब एक ही रोड पर ही देखने को आपको मिल जाएंगे। तो ये इस मंदिर का मेन गेट था और इसके बगल से ही यहाँ पर एंट्रेंस होता है, यहाँ पर आपको चेकिंग करके अंदर एंट्री कर जाएंगे। इस मंदिर की नींव जगत गुरु कृपालू जी महाराज द्वारा जनवरी 2001 में रखी गई थी और इसको बनकर तैयार होने में 11 वर्षों का समय लगा। 17 फरवरी 2012 के दिन इस मंदिर को सभी भक्तों के लिए खोल दिया गया। 1000 श्रमिकों ने दिन रात काम करके इस मंदिर को बनाकर तैयार किया है। यह मंदिर 55 एकड़ में फैला हुआ है और इस मंदिर में सभी इटालियन सफ़ेद संगमरमर का यूज हुआ है। मंदिर में आपको भगवान की झांकियों के माध्यम से इनकी लीलाओं का वर्णन देखने को मिलेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। यह है यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन और आप वीडियो में इसका आनंद लीजिए। ये भगवान की झांकियों आपको देखने को मिल जाएंगी। दिन में इसका और भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है बट रात में इसकी जो लाइटिंग है मंदिर की वो हर 30 सेकंड में बदलती रहती है जो देखने के बाद आपको काफ़ी मंत्रमुग्ध कर देगी। 150 करोड़ रुपए की लागत से बना यह मंदिर भारतीय शिल्पकला का साक्षात नमूना है और ये देखने में इतना ज़्यादा प्यारा लगता है कि ईज़िली आप यहाँ पर 2 से 3 घंटे का समय बिता सकते हैं और आपको YouTube पर पहली बार इस मंदिर के अंदर का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, इसकी खूबसूरती दिखाएंगे। आप लोगों के लिए मेहनत करके ये वीडियो बनाया हुआ है तो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिएगा। अंदर की आप खूबसूरती देखिए, इसके जितने भी पिलर्स हैं उस पे जो कारीगरी है, मंदिर की जो डेकोरेशन है वो इतनी ज़्यादा लाजवाब है कि अंदर भी आपको दीवार पे भगवान की कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी, यहाँ पर जगत गुरु कृपालू जी महाराज भी देखने को मिल जाएंगे आपको। ये वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है।
यह मंदिर श्री राधा कृष्ण जी को समर्पित है। ग्राउंड फ्लोर पर इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा माता की आपको छवि देखने को मिल जाएगी, उनका दर्शन करने को मिल जाएगा, जो कि आप ये कर पा रहे हैं अभी। कमेंट में जय श्री राधे लिखिए। और फर्स्ट फ्लोर पर आपको श्री राम जानकी की छवि देखने को मिल जाएगी, आप उनका भी दर्शन इस वीडियो में कर पा रहे हैं। इस मंदिर में डेकोरेशन के साथ साथ जितने भी झूमर लगाए गए हैं वो भी बिल्कुल लाजवाब हैं। वाकई में इस मंदिर की जितनी तारीफ करें उतनी ही कम है। मंदिर की जो लंबाई है वो 185 फीट है और चौड़ाई इसकी 135 फीट है। आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि ये मंदिर पूरी तरह निशुल्क है। यहाँ पर ना आपको जूता रखने का कोई पैसा देना है, ना तो कोई एंट्री फीस है। बस आप आइए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और इस मंदिर में आप बस दर्शन का आनंद लीजिए। इस मंदिर की खूबसूरती वाकई में काबिले तारीफ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जो पिलर्स बने हुए हैं इसमें भी कारीगरी है ही, और तो और आपको इसके सीलिंग पर भी पूरी डिजाइन देखने को मिल जाएगी, जैसा आपको अक्षर धाम में मिलता है। फिलहाल ये मंदिर इजली आप 2 से 3 घंटे घूम सकते हैं और यहाँ पर आना ही एक काफ़ी अच्छा अनुभव होता है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, बाकी इस वीडियो में आपको पूरा प्रेम मंदिर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर वीडियो का अभी अलाउ तो नहीं है, बट आज क्राउड इतना ज़्यादा है कि वो इसे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो पूरा बने रहें और लाइक जरूर करें हमारे। यहाँ की जो मेन यूएसपी है वो मंदिर की लाइटिंग और म्यूजिकल फाउंटेन है। कहा जाए तो ये मंदिर शाम के समय में ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। दोपहर में 12 बजे से मंदिर 4:30 बजे तक बंद भी होता है, तो उस टाइम आप जाना अवॉइड करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। जय श्री राधे।